पुलिस के राजनीतिकरण का सबूत है अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी। एक भारतीय के मानवाधिकार का बेशर्म उल्लंघन किया महाराष्ट्र सरकार ने। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की जरूरत। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश के चर्चित पत्रकार अर्णब गोस्वामी को 4 नवंबर की सुबह महाराष्ट्र के पुलिस ने 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस व्यवस्था पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुकी है और उससे मानवाधिकारों की रक्षा की बात बेमानी है। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी जिस मामले में की गई है वो 2 साल पुराना है और अदालत में पुलिस ने इसे बंद करने का शपथ पत्र दिया हुआ है। इसके बावजूद देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार और उससे भी कहीं अधिक एक नागरिक को जिस बेशर्म तरीके से उसके घर से घसीटा गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और फिर एक गैंगस्टर की तरह पकड़कर थाने ले जाया गया, वो पुलिस का शर्मनाक चेहरा ही उजागर करता है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली तो इस मामले में अमानवीय ही नहीं, नैतिक पतन की पराकाष्ठा ही कही जा सकती है। इस पुलिसिया कार्रवाई के पीछे किसी मामले की जांच की नहीं बल्कि बदला चुकाने की नीयत ही झलकती है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस और वहां की सरकार की निंदा हो रही है। आज पूरे देश के पत्रकार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में देश की पुलिस व्यवस्था के राजनीतिकरण के दुष्प्रभावों पर रोशनी डालती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। देश के चर्चित पत्रकार अर्णब गोस्वामी की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के साथ ही भारत के पुलिस तंत्र के राजनीतिकरण पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। अर्णब गोस्वामी को 2 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का है। अर्णब के चैनल के दफ्तर की अंदरूनी साज सज्जा करने वाले एक व्यक्ति ने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा था उसमें उसने कहा था कि अर्णब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी पर 83 लाख रुपए का भुगतान करना बाकी था और 2 कंपनियां, एक फिरोज शेख की कंपनी जिस पर 4 करोड़ रुपए बकाया था और एक नितेश सारदा जिस पर 55 लाख रुपए बकाया था। इन तीनों कंपनियों द्वारा इन राशियों का भुगतान नहीं दिया गया जिस कारण उसका बिजनेस डूब गया और वो आत्महत्या कर रहा है। इस मामले की पुलिस ने पूरी गहनता से जांच की और अदालत में शपथ पत्र देकर कहा कि उसे अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए वो इस मामले की फाइल बंद करना चाहती है। अदालत ने इसकी इजाजत दे दी और मामला खत्म हो गया। उसी मामले को दोबारा खोलकर महाराष्ट्र की पुलिस ने कुछ सबूत मिलने की बात कहकर अर्णब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि अर्णब की गिरफ्तारी पूरी तरह कानून सम्मत है और उसकी कार्रवाई किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई है और उनके साथ जो सलूक किया गया वो एक भारतीय नागरिक के मानवाधिकार का सरासर उल्लंघन है। ये सही है कि अर्णब की ये गिरफ्तारी पत्रकारिता से जुड़े किसी मामले में नहीं की गई है। इसके बावजूद एक भारतीय नागरिक के रूप में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि पुलिस को उनके खिलाफ सबूत मिले थे तो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता था और अदालत से वारंट लेने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी शालीन तरीके से की जा सकती थी। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उनके साथ जो सलूक किया और एक खतरनाक अपराधी की तरह उन्हें घसीट कर ले जाया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। महाराष्ट्र पुलिस की ये कार्रवाई भारतीय पुलिस व्यवस्था के राजनीतिकरण का जीता जागता उदाहरण है। आजादी के बाद पुलिस का ऐसा चेहरा कई बार सामने आया लेकिन इसकी गंभीरता की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए खाकी का रंग धीरे धीरे राजनीतिक दलों के झंडों के रंग में बदलता गया। इसके लिए वो तंत्र पूरी तरह से जिम्मेवार है जो सत्ता में आने के साथ ही पुलिस प्रशासन को अपनी चेरी अपना निजी सेवक समझने लगता है। झूठे मामलों में गिरफ्तारी हो या फर्जी मुठभेड़, आम लोगों को बेवजह परेशान करना हो
या राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाना हो, पुलिस व्यवस्था का हरदम इस्तेमाल किया गया। इसलिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका के प्रख्यात पत्रकार और समाज शास्त्री बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि पुलिस एक ऐसा तंत्र है जो कभी किसी का नहीं हो सकता, नागरिक का भी नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पुलिस को कानून के पालन की खुली छूट कतई नहीं दी जानी चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आम नागरिकों पर छोड़ देनी चाहिए। उनका ये कथन पुलिस व्यवस्था के प्रति अविश्वास की पराकाष्ठा थी, लेकिन उन्होंने खाकी वर्दी के जिस खतरनाक रूप का खाका खींचा था, वो बोस्टन शहर से हजारों मील दूर भारत में 350 साल बाद हकीकत में बदलता दिख रहा है। आजादी से पहले और बाद में पुलिस का अमानवीय चेहरा कई बार सामने आया, कई बार इस चेहरे को बदलने के लिए आवाज भी उठाई गई और गंभीर प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालत ये हो गई कि पुलिस आज भी आम लोगों के लिए आतंक का पर्याय है। अमेरिका हो या भारत, अफ्रीका हो या यूरोप का कोई देश, पुलिस का सामाजिक चेहरा कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब के साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए केवल उसे ही जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। आज की पुलिस व्यवस्था तो सत्ता और सरकार की गुलाम बन चुकी है, जिसका काम केवल अपने आकाओं को खुश और निरापद रखना है। महाराष्ट्र सरकार में बैठे लोग भले ही पुलिस की कार्रवाई से अपना पल्ला झाड़ें, लेकिन अंतिम जिम्मेवारी तो उनकी ही बनती है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को महज एक घटना के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक बीमार सिस्टम की पराकाष्ठा है। यदि इस मामले पर आज चुप्पी साध ली गई, तो यकीन मानिए कल आपकी और हमारी बारी भी आ सकती है, और तब हमारे पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।